सोमवार की रात वायनाड में जबरदस्त तबाही आई, 95 लोगों की मौत हो गई है, 95 लोगों की मौत हो गई है इस भयंकर भूस्खलन की वजह से। 250 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। देर रात हुई तेज बारिश और लैंडस्लाइड ने पूरे वायनाड की सूरत बदल कर रख दी है। खबर है कि अब राहुल गांधी भी वायनाड जाने वाले हैं। वायनाड में भीषण जल प्रहार, मुसीबत में सैकड़ों परिवार। बारिश और लैंडस्लाइड में बह गए कई गांव। वायनाड में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। केरल के वायनाड में बारिश और लैंडस्लाइड ने जो तबाही मचाई है, ये तस्वीरें उसकी कहानी बयां कर रही हैं। सोमवार देर रात हुई तेज बारिश ने वहां की सूरत बिगाड़ कर रख दी और जब सुबह अंधेरा छटा तो हर तरफ तबाही और बर्बादी की तस्वीर नजर आई। सोमवार की देर रात कुदरत ने वायनाड पर दोहरा कहर बरपाया। पहले तेज बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी की, तो उसके बाद एक के बाद एक तीन जगहों पर हुई लैंडस्लाइड ने लोगों की उम्मीदों को मलबे में बदल दिया। जमीन खिसकने की वजह से कई मकान मलबे में दब गए और तीन गांव सैलाब में बह गए। कुदरत ने यहां इस कदर क्रोध बरपाया कि किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। इस भीषण तबाही में वायनाड के चार गांव का संपर्क टूट गया, वहीं 400 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। हालात को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद ली गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार दिक्कतें भी आईं। वायनाड में आई तबाही कितनी भयानक थी उसका अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। ये तस्वीरें उसी इलाके की हैं। सोमवार को जहां देर रात तबाही का सैलाब आया था और सैलाब के गुजरने के बाद एक आदमी कीचड़ में फंस गया और जान बचाने की गुहार लगाने लगा। गनीमत यह रही कि उसकी जान किसी तरह बच गई। वायनाड में हर तरफ तबाही मची है, लोगों के घर उजड़ चुके हैं। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपनी उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा है। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को बचाने की है। वहां रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए, यहां पूरा का पूरा रिहायशी इलाका मलबे की भेंट चढ़ चुका है। लोगों के घर टूट चुके हैं। रेस्क्यू टीम ने यहां से भी कई लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। सैलाब के तेज बहाव की वजह से पलक्कड़ ब्रिज भी टूट चुका है। पुल के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को रेस्क्यू टीम ने रस्सी के अस्थायी पुल की मदद से सुरक्षित जगह पहुंचाया। इस इलाके में अभी भी पानी का बहाव बहुत तेज है, लिहाजा लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है और रेस्क्यू टीम भी लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी है। बारिश और लैंडस्लाइड ने सबसे ज्यादा तबाही मुंडक्कई गांव में मचाई है। मुंडक्कई गांव में करीब 250 लोग फंसे हुए हैं और गांव के कई घर भी सैलाब में बह गए हैं। इस गांव में 65 परिवार रहते थे। वहीं गांव के पास मौजूद एक टी स्टेट के 35 कर्मचारी भी लापता हैं, जहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है। इसके साथ ही खराब मौसम भी रेस्क्यू टीम के सामने बड़ी चुनौती है। फिलहाल सेना, एनडीआरएफ के साथ वायुसेना के हेलीकॉप्टर और स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू में जुटा है। वायनाड में आई ये त्रासदी इस साल की सबसे बड़ी तबाही लेकर आया है। ऐसे में हालात सामान्य होने में अभी वक्त लग सकता है।